हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला स्टील प्लांट 2023 के फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर फर्स्ट है यानी कि ट्रेड इंट्रोडक्शन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड जो हेल्थ चैप्टर है, इसी का ये चौथा सेट है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में जहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया था, उसके आगे से इस वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट दे रखा है चैप्टर 1 का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्रेंड्स फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम सबको मिल जाएगा। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये तो कम से कम हुआ, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 75 तक प्रश्न कर रखा है। इस वीडियो में हम उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ए में क्या दिया गया है, तो अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा है अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती है। अब आइए 5S के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, लेकिन इस वाले वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5S, जो 5S है इसका पहला S का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है। दूसरा वाला जो एस है इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर होता है। तीसरा वाला जो एस है इसका मतलब होता है साइन होता है। चौथा वाला जो एस है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइजेशन होता है। पांचवा वाला जो एस है इसका मतलब होता है सस्टेन होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 5S का जो पाँचवा है, मैंने 5S का जो पाँचवा है उससे क्या संबंध है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सस्टेन कहा जाता है। दूसरा जो है, दूसरा इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर होता है। तीसरा वाला और पूछ लिया जाए तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है साइन होता है। ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पांचवा चरण का मतलब क्या होता है, दूसरा का क्या होता है, तीसरा का क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है। तो आप इस पांचों को अच्छे से याद कर लें कि अगर इसमें से कोई भी एक पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कार्यशालाओं में कारखाना अधिनियम लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हॉट वर्क में सम्मिलित है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि वेल्डिंग कार्य भी सम्मिलित है, कटिंग कार्य भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाउसकीपिंग कार्य, यानी कि जो हाउसकीपिंग कार्य है वो सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, और बाकी सब है, जैसे कि पाइपलाइन जो कार्य है ये है, बॉयलर कार्य भी है, डक्ट जो कार्य है ये भी है, लेकिन हाउसकीपिंग जो कार्य है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो कन्वेयर है, दूसरा है क्रेन भी है, तीसरा औद्योगिक ट्रक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 82। यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपने काम पर ध्यान देना, ये जो है व्यक्तिगत सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। प्लास्टिक कचरा के लिए प्रयुक्त बीन का कलर कोड क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पीला होता है, यानी कि प्लास्टिक कचरा के लिए जो प्रयुक्त जो बीन का कलर कोड होता है वो पीला होता है, और कागज़ के लिए कैसा रंग होता है, तो नीला होता है। उसके बाद है धातु, तो धातु के लिए कैसा रंग कलर जो जो बीन का जो कलर कोड होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है धातु के लिए। उसके बाद कांच जो होता है, कांच इसके लिए कैसा होता है, तो इसके लिए बीन का जो कलर कोड होता है वो हरा होता है। उसके बाद है खाद, जो सामग्री जो होता है उसके लिए काला होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लास्टिक के लिए प्रयुक्त जो बीन का कलर कोड है वो पीला होता है, कागज़ के लिए कैसा कलर होता है, तो वो नीला होता है। उसके बाद धातु के लिए जो बीन का जो कलर कोड होता है वो लाल होता है। उसके बाद कांच के लिए हरा होता है, खाद सामग्री के लिए काला होता है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि जो अनगार्डेड मशीनरी है वो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अब भाई फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सेफ्टी साइन के बारे में। तो सेफ्टी साइन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रोहिबिटेशन, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य चिन्ह होता है। तीसरा जो होता है वो वार्निंग होता है, वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी का चिन्ह होता है। चौथा जो होता है वो इन्फॉर्मेशनल साइन होता है, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह होता है। ये चारों भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे प्रदर्शित चिन्ह का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं
ये आपको बताना है कि ये कौन से चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पैदल चलने वाले का मार्ग को दर्शा रहा है, यानी कि प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी कि जब घटना घट जाता है उसके बाद जो पहला जो 30 मिनट का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं, तो गोल्डन आवर्स की अवधि कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अपशिष्ट कागज माइग्रेशन के लिए बीन्स का कलर कोड क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीला। ये तो कागज के लिए हो गया बीन्स का कलर कोड। उसके बाद प्लास्टिक के लिए क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक के लिए पीला हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक के लिए जो बीन्स का कलर कोड है वो पीला है। धातु के लिए क्या है, तो धातु के लिए लाल। उसके बाद फ्रेंड्स कागज यानी कांच के लिए, सॉरी कांच के लिए क्या हो जाएगा, तो कांच के लिए हो जाएगा हरा हो जाएगा। खाद्य सामग्री के लिए कैसा रंग हो जाएगा, यानी कि खाद्य सामग्री के लिए बीन्स का कलर कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा काला हो जाएगा। और अन्य के लिए क्या हो जाएगा, तो आसमानी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि जो कागज़ है उसके लिए बीन्स का जो कलर कोड है वो नीला, प्लास्टिक के लिए पीला, धातु के लिए लाल, जो कांच होता है कांच के लिए हरा, खाद्य सामग्री के लिए काला और अन्य के लिए आसमानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित रोड साइन किस प्रकार का है। इस वाले फिगर में देखकर बताना है किस प्रकार का रोड साइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूचना का संकेत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, यानी किसके वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम। यानी कि सोडियम जो है वो वायु के संपर्क में आने से क्या करता है, तो आग पकड़ लेता है। अब आइए सोडियम के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोडियम का जो सिंबल यानी कि जो संकेत होता है वो Na होता है, Na। और इसका यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा आता है, तो चश्मा भी आता है, दस्ताना भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आता है, यानी कि तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भीगे हुए शरीर का जो प्रतिरोध है वो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कम होता है, जो शरीर जो भीगा हुआ होता है उसका जो प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, BIS का पूरा नाम क्या है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। किसका फुल फॉर्म? तो BIS का फुल फॉर्म होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीटाडीन रखी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लकड़ी का जो बुरादा जो है वो रखना चाहिए, यानी कि इसका उपयोग करना चाहिए तैलीय सतह की सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पेय पदार्थ उसको नहीं पिलाना चाहिए। तो जैसे कि चाय हुआ, पानी हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये तीनों नहीं पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हवादार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। जीवन रक्षक प्रणाली हेतु किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि UPS, यानी कि जीवन रक्षक प्रणाली हेतु UPS प्रकार की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिक फुर्तीला होना, ये जो है दुर्घटना का कारण नहीं है। और बाकी सब जैसे कार्य में रुचि ना होना, ये दुर्घटना का कारण है। अगला है अधिक उत्सुक होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। अनुशासनहीन होना, ये भी क्या है? दुर्घटना का कारण है। और जो दुर्घटना का कारण नहीं है वो क्या है? अधिक फुर्तीला होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स 1 या 2 मिनट का वीडियो है और इसमें से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देख कर ही एग्जाम देने जाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।